हे hey फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको अपने किचन का टूर कराने वाली हूँ। मैंने अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज किया, चलिए देख लेते हैं। ये कैबिनेट्स मैंने कुछ दिन पहले ही बनवाए हैं। कलर कॉम्बिनेशन ग्रे और ब्लैक रखा हुआ है। ब्लैक मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर फर्नीचर मेरा ब्लैक ही है। और ये एक्रेलिक मटेरियल है, क्लीनिंग में बहुत आसान है। सिर्फ एक गीले कपड़े से इसे पोंछ लीजिए और ये आसानी से साफ हो जाएगा। अगर आप किचन कैबिनेट्स बनवाने का सोच रहे हैं तो ये एक्रेलिक मटेरियल ज़रूर चेक कीजिए। प्लेटफॉर्म को बहुत ही खाली रखा हुआ है। किचन से लगकर ये एक विंडो है, बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा रहता है और लाइट भी काफ़ी रहती है। और हाल ही में ये मैंने पाइप्ड गैस कनेक्शन लिया है। काफी कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल है ये। ये एक छोटी सी बास्केट रखी है जिसमें पाटा, बेलन, तवा और किचन नैपकिन्स रख लिए हैं, जो हमें रोज ही जरूरत पड़ती है जिनकी। गैस स्टोव को बीचों बीच रख लिया है प्लेटफॉर्म के। और पीछे स्लाइडिंग में जो जगह मिली है उसमें ये छोटी छोटी चीजें सजा ली हैं, लाइटर, नाइफ वगैरह। और ये छोटी सी शॉपिंग बास्केट है, मुझे बहुत पसंद आई थी तो इसे जस्ट डेकोरेट करने के लिए रख दिया मैंने ऐसे। और इस कॉर्नर में ये स्कूल बॉटल्स और जो हमें रोज के सामान लगते हैं उसको रख दिया है। ये पिंस और रबर बैंड का बॉक्स है, बहुत ही काम का है ये। इसके बारे में मैं कुछ किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑयल कैन है, ऑयल कैन को मैंने एक प्लास्टिक बॉक्स में रखा है ताकि ऑयल यहाँ वहाँ ना फैले और किचन साफ दिखे। ये हमारे मसालों का डब्बा है, इंडियन स्पाइस बॉक्स। इसकी भी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है तो इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रखा है। इस कॉर्नर में मैंने दो बास्केट रखी है आलू, प्याज, लहसुन वगैरह स्टोर करने के लिए। अदरक लहसुन को एक अलग बॉक्स में रखा है और दो बास्केट में आलू प्याज रख लिया है। मिक्सर और वाटर हीटर ये भी हमें रोज़ लगता है तो इसे भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है। कनेक्शन पीछे में ही है तो ज़रूरत के हिसाब से इसे यूज़ कर लेती हूँ। बाकी पूरा प्लेटफॉर्म मेरा खाली है, अनवांटेड चीज़ें नहीं रखी है मैंने। जितना ज़रूरत है उतना ही सामान ऊपर रखा है। और मैंने ऊपर में कैबिनेट्स नहीं बनवाए हैं जिसकी वजह से ये और भी बड़ा और स्पेशियस लगता है। किचन टाइल्स, प्लेटफॉर्म और सिंक की सफाई मैं कैसे करती हूँ इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं या चैनल पर जाकर इसे विजिट कर सकते हैं। इस एरिया को मैंने वॉशिंग क्लीनिंग के लिए रखा है, वाटर स्टोरेज और एक्वागार्ड कनेक्ट करा लिया है। अब किचन के नीचे का भी कैबिनेट्स देख लेते हैं। सिंक के जस्ट नीचे मैंने एक बास्केट लगवाई है अंदर में, ये देखिए, जिसमें वॉशिंग और क्लीनिंग से रिलेटेड सामान ही रखा हुआ है। जो हम एक्स्ट्रा सोप, डिटर्जेंट वगैरह लेकर आते हैं वो रख लिया है। एक टब रखा है जिसमें वॉशिंग के बाद बर्तन रखने के काम आता है। डस्टबिन को यहाँ साइड में रख लिया है। और ये एक बास्केट में मैंने जो हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत में नहीं आता सामान वह रख लिया है। तो इस एरिया को मैंने एक छोटा सा स्टोरेज बना लिया है। ट्रॉलीज देख लेते हैं, हमारी डेली यूज़ की जो कटोरियाँ, बर्तन हैं वो रखे हैं। एक रैक में मैंने कांच के बर्तन रख लिए हैं, कप, ग्लासेस वगैरह, रोज़ के काम में आने वाले बर्तन हैं ये। और सबसे नीचे वाली ट्रॉली में बड़े बर्तन, नॉनस्टिक बर्तन ये सब रख लिए हैं। नीचे की ट्रॉली रिमूवेबल है, इस पूरी ट्रॉली को बाहर निकाल के क्लीनिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी आइडिया अच्छा है कि नीचे की सारी ट्रॉलीज रिमूवेबल रखें ताकि क्लीनिंग में आसानी हो। कटलरी, स्पून्स वगैरह रखी है एक ट्रॉली में। एक ट्रॉली में ग्लासेस, छोटी प्लेट्स रखी हैं। और नीचे की ट्रॉली में बड़ी प्लेट्स, चॉपिंग ट्रे। नीचे की सारी ट्रॉलीज देखिए पूरी बाहर आती हैं, क्लीनिंग के लिए बहुत ही आसानी होती है इससे मुझे। और यहाँ पे एक ट्रॉली बनवाई है मैंने, ये पूरी बाहर निकलती है, ये देखिए,
क्योंकि नीचे में पहले सिलेंडर रखना पड़ता था मुझे, सिलेंडर को निकालने और रखने के लिए मुझे जगह चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये रिमूवेबल ट्रॉली बनाई है। अब ये सिलेंडर हटाकर मैं स्टोरेज बना लूँगी। और ये मंथली ग्रॉसरी जो हम महीने का राशन लेते हैं उसे मैं इस तरह से कुछ स्टोर करके रखती हूँ। ड्राई स्पाइसेस हमारे जो हम आधा यूज़ करते हैं पैकेट और आधा बच जाता है सामान, उसे इस तरह से पिन करके रख लिया है, इससे ये लॉक हो जाते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। किचन के सारे स्टोरेज कंटेनर्स यहाँ पे रखे हैं और नीचे वाली ट्रॉली में मैंने बर्तन रखे हुए हैं जो बहुत ही कम यूज़ में होते हैं। और ये आखिरी वाली ट्रॉली में मैंने रोज की जो नमक शक्कर पत्ती वगैरह यूज़ होती हैं उसे एक कॉर्नर में जमा के रख लिया है ताकि ये निकालने में आसानी हो और एक जगह पे सारी चीज़ें रहें। तो देखा फ्रेंड्स, सारा प्लेटफॉर्म मेरा कितना खाली है, जितना ज़रूरत का सामान है उतना ही रखा है मैंने, अननेसेसरी इसे भरा नहीं है। और ऊपर भी मैंने कैबिनेट्स नहीं बनवाए हैं जिसकी वजह से क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही आसानी होती है और ये बहुत बड़ा भी लगता है किचन। और फ्रिज वगैरह मैंने जस्ट किचन के सामने जगह दी हुई थी वहाँ पर रख लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू है, वहाँ मेरा किचन है और फ्रिज जस्ट उसके सामने ही है। ये मैंने लाइट बनाई थी, बहुत ही इजीली ये डेकोरेटिव लाइट बन गई है, वो भी वेस्ट मटेरियल से। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, आप किसी भी कॉर्नर में इसे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को भी एक बार विजिट कीजिए। और फ्रिज के बाजू में एक थोड़ी सी जगह थी, वहाँ मैंने एक कबर्ड बना लिया है और इस कबर्ड में भी स्टोरेज कर लिया है, माइक्रोवेव में अंदर रख दिया है। और ये बड़े डब्बे राइस दाल वगैरह के, बर्तन जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, डिनर सेट वगैरह कांच के बर्तन, उन्हें एक जगह स्टोर कर लिया है। तो ये भी मेरा एक बहुत अच्छा स्टोरेज एरिया बन गया है। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। जगह बहुत कम है इस वजह से मैंने काफ़ी कम चीज़ें रखी हैं, उतना ही सामान रखा है जितना ज़रूरत है। और ये मेरा सिंपल स्वीट और स्पेशियस किचन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी विज़िट कीजिए, आपको मेरी फूड रेसिपीज़ भी पसंद आएंगी।